हमारी जो एक और प्रॉब्लम आ रहा है वो सामने, वो ये आ रहा है कि पाकिस्तान के अंदर जो दूसरी एक लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है जो कि बिल्कुल ही किसी भी किस्म की जो है ना वो कानून से अपने आप को बालातर समझने की उनकी आदत है, वो ये कि फिरोजवाला में एक पंजाब पुलिस के कुछ एहलकारों ने जो है वो एक औरत के ऊपर सीधी फायरिंग शुरू कर दी, एक उनको गोली चला दी उन्होंने। वाकया कुछ यूं हुआ कि फिरोजवाला के अंदर एक खातून थी जो कि पुलिस के एक कुछ सादा कपड़ों में मलबूस अहलकार थे। मैं ये अपनी वेबसाइट से, हमारी नियात और उर्दू डॉट नियात और डॉट इन से पढ़ रहा हूँ कि कुछ पुलिस अहलकार थे जो कि वहां पर कुछ लोग लेकर जा रहे थे किसी को, और एक जुत्था चला हुआ जा रहा था, और फिर सडनली हमने ये देखा कि वहां पर जो है वो खातून जो है वो उसकी वीडियो बना रही है, और एक शख्स ने जो है वो शह पाके उससे और उनकी वीडियो बनाते बनाते और उसके ऊपर फायर किया उस औरत की तरफ गोली बंदूक करके और ही एम्ड एट हर। और ये इतफाक है, मिरेकल है कि वो खातून की जिंदगी बच गई, लेकिन ये आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, और ये इस बंदे ने बंदूक निकाली है एंड ही शॉट एट हर। तो और ये गोली चली है, ये हमने इसको काट दिया है, लेकिन खातून बच गई। अब उनकी FIR जो दर्ज की गई है वो पुलिस की मुदैयत में दर्ज की गई है, जबकि वो खातून के ऊपर गोली चली है उनकी मुदैयत में दर्ज नहीं की जा रही। ये भी एक तरीका होता है कि अपने बंदे को बचाने का, कि FIR ही इस तरह से काटी जाए कि उसके ऊपर जो कुछ होना है, जो उसके ऊपर कार्रवाई होनी है, वो वैसे ही किसी तरीके से कोई डाइल्यूटेड सा कोई एक्शन हो जिसके ज्यादा कोई नुकसान ना हो। ये जो कल्चर है ना, ये बहुत खौफनाक कल्चर है, चाहे वो मॉडल टाउन का इंसिडेंट हो, आज से 4 5 6 साल पहले की बात है, 2014 में हुआ, अब से कुछ रोज अब से दो दो साल पहले हमने, 1 साल कबल हमने देखा कि जो साहिवाल का इंसिडेंट हुआ वो भी हमने देखा CTD का किया हुआ। इसके बाद अभी पिछले दिनों जब ये लाहौर के अंदर मरियम नवाज की जो पेशी थी नैब के दफ्तर के बाहर, वहां पर इसी तरह से पुलिस वालों ने लोगों को मारा पीटा। अभी हम फुटेज चलाएंगे जो कि आप क्लिप देख सकेंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर, मैं चाहूंगा कि वो क्लिप प्ले किया जाए। इस क्लिप के अंदर आप देखेंगे कि हमारे जो पुलिस एहलकार है वो ये आपके सामने है। अब ये इसको देखिए कि किस तरह से मार रहे हैं, ये उसके थोड़ी पर मुक्का मारा है, उसके बाद उसको थप्पड़ मार रहे हैं, अब ये यहाँ पर लेकर जा रहे हैं, तीन है ये। अब ये और लोग इसमें शामिल हो जाएंगे, ये भी साहब मार रहे हैं। अब ये जिस तरह से मार रहे हैं, जरा इस सिचुएशन को देखें, कोई जाति झगड़ा तो नहीं है इनका आपस में, ये एक रियासत का इदारा है, और ये जिस तरह से शहरियों को जदोकोब कर रहा है, मतलब ये देखिए कि अभी ये आप ये सीन देखिए, ये उसकी रीढ़ की हड्डी के ऊपर अपना डंडा मार रहा है ये आदमी, जैसे कि मतलब कोई रिश्तेदारों में कोई झगड़ा हो जाए आपस में, और वो कुछ जमीन जायदाद का झगड़ा हो, कोई लड़की का जो गैरत बेगैरती का कोई चक्कर हो, जिस तरह से ये मार रहे हैं। अब ये एक ये देखिए, ये तरीका देखिए इनका, ये कल्चर जो है ना, ये अब एक और शख्स को मार रहे हैं यहाँ पर, और ये भी इस तरह से मार रहे हैं, ये देखिए इनका तरीका। अब खुद आपने हेलमेट पहने हुए और शहरियों को आप इस तरह से ज़दोकोब कर रहे हैं, ये जो तरीका है इसको सबसे पहले हमारी जो पुलिस है इसको ये जहन से निकालना होगा कि ये कोई गुंडे बदमाश हैं, ये कोई दहशतगर्द हैं, इनको अपने कॉन्टेक्ट को इस तरह से रखना होगा कि ये एक रियासत का एक इदारा है जिसका काम लॉ एनफोर्समेंट है, कानून को अपने हाथ में लेना नहीं है, ये कानून के मुहाफिज हैं, कानून के रखवाले हैं, इनका ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये कानून को जो है वो उसकी धज्जियां बखेरते हुए शहरियों के साथ, जिनके लिए असल में कानून है, उनकी उनको जो है वो इस तरह से जदोकोब करेंगे। और ये सियासी वर्कर्स हैं, ये कोई चोर उचक्के डाकू लुटेरे क्रिमिनल्स नहीं है, ये सियासी वर्कर हैं। आप दुनिया के अंदर अगर इनकी ट्रेनिंग नहीं है तो इनको फिर बंद करें इस इदारे को, इससे बेहतर तो पाकिस्तान वैसे भी चल सकता है, अगर इसी तरह इन्होंने चलाना है तो इसकी कोई फायदा नहीं। चलते हैं जी अगली खबर के ऊपर। एक और इंसिडेंट जो कि अब से कुछ रोज कबल पिशावर के अंदर हुआ था, एक साहब ने जो है वो जाकर एक शख्स को गोली मार दी थी, और उन्होंने कहा था कि जी ये मुझे ख्वाब में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर हुक्म दिया था कि इसको गोली मार दो, और मैंने आकर जो है वो अदालत में गोली मार दी। लेकिन इंटरेस्टिंगली उन्होंने जो गोली मारी थी वो गोली एक उनको गोली चलाने के लिए पिस्तौल जो है वो एक लॉयर ने प्रोवाइड की थी जो कि पहले से अदालत के अंदर मौजूद था, और ये सवाल बार बार उठाया जाता रहा था अब तक कि एक अदालत के अहाते के अंदर ये पिस्तौल लेकर एक आदमी कैसे घुस आया, और किसी ने उसको चेक नहीं किया, वो अंदर दनदनाता फिर रहा था, और फिर वो गया एक जगह पर जाके उसने कोर्ट रूम के अंदर पहुंचा, उसको जाके गोलियां मार दी, और किसी ने उसको नहीं रोका, किसी ने चेक नहीं किया। तो अब ये सामने आ रही है हकीकत के एक लॉयर जो था उसने उसको प्रोवाइड की थी ये, और 2 3 दिन कबल ये खबर आई थी,
और अब इसको जो है वो जुडिशियल रिमांड पर जेल मुंतकिल कर दिया गया है इस लॉयर को। ये इसके हवाले से थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड बताता चलूं कि ये शख्स जिसको कत्ल किया गया था इसका नाम ताहिर नसीम था और इसके ऊपर ब्लास्फेमी का मुकदमा था। इसकी जो मेंटल हेल्थ थी इसके बारे में सीरियस इश्यूज थे और इसके बारे में कहा गया था कि ये शख्स जो है वो एक जहनी मरीज है और इसने जो है वो कोई अजीबो गरीब किस्म के दावे भी माजी में कर रखे थे नबूवत के हवाले से। लेकिन जब इस अब से 2 साल कबल एक और केस सामने आया था जिसके अंदर इसको एक एक वीडियो सामने आई थी जिसमें एक मौलवी साहब ने इससे जो है वो ये ली थी, ये इसने उनके सामने आकर आवाम को बताया था कि मैं अपने जो नजरियात हैं उससे तौबा तायब कर चुका हूँ। ये एक अनरिलेटेड डिबेट है बिल्कुल, एक सिर्फ बैकग्राउंड के लिए। इसका ये मतलब नहीं है कि किसी ने मैं किसी के कत्ल करने को किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं कर रहा, जस्ट लेटिंग यू नो कि ये वाकया पहले किस तरह से हुआ था। और उसके बाद ये साहब आए और इन्होंने आकर उनको गोली मार दी और गोली मारने के बाद अभी अदालत में मुकदमा वही चल रहा था, इन्होंने उनको गोली मारी और साथ हमारे पास फुटेज जो है वो हमने देखी अब से कुछ रोज कबल के पुलिस वाले जो है वो इनके साथ सेल्फीज बनवा रहे हैं और जो क्या कहते हैं लॉयर्स हैं वो इनके माथे चूम रहे हैं, इनके गाल चूम रहे हैं। तो ये एक दहशतगर्दी का जो मामला है वो सिर्फ महदूद नहीं है दहशतगर्दों तक, बल्कि दहशतगर्दों के इर्द गिर्द जो एनेबलर्स होते हैं इनका भी एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम है। और वही जिसको हमेशा से कहा जाता है कि सहूलतकारों के खिलाफ भी एक्शन, वो डॉक्टर आसिम के खिलाफ और क्या कहते हैं ऐसे जो मुस्लिम लीग नून के कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ जो है वो दहशतगर्दी के एक्ट और एमक्यूएम के खिलाफ, वो ठीक है जो जो कुछ भी हो उसका वाकया है वो अपनी जगह, लेकिन इन लोगों के खिलाफ भी एक्शन नहीं, ये वाकई एनेबलर्स है। ये सिर्फ जो है ना वो इनके ऊपर इल्जाम नहीं है कि इनके अस्पताल में एक बंदे का इलाज हुआ था उसने को भी कुछ किया था, गलत किया था किया नहीं था, किया था या नहीं किया था हमें नहीं पता। तो ये वाकई दहशतगर्द है, इनके खिलाफ भी एनेबलर्स के खिलाफ एक्शन होना चाहिए क्योंकि रद्दुल फसाद और इससे कबल ज़र्बे अज़्म के जो अहम तरीन नुकात थे उनमें से ये सबसे ज्यादा अहम थे कि वो लोग जो दहशतगर्दी में मुआवनत करते हैं उनके खिलाफ जो है वो हम उसी तरह से एक्ट करेंगे जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ करते हैं। चलते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। ये खबर जो है वो एक मरतबा फिर एक बलूचिस्तान के एक स्टूडेंट से रिलेटेड है, इसका नाम है उलस यार खान और इसका ताल्लुक जो है वो पश्तूनख्वा स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से है और जो कि एक स्टूडेंट विंग है पश्तूनख्वा मिलिया पार्टी का। ये साहब जो है ये एमए है क्रिमिनोलॉजी में और गोल्ड मेडलिस्ट है कराची यूनिवर्सिटी से। इनको इन्होंने अप्लाई किया था किसी क्योंकि इस फैकल्टी के लिए विजिटिंग फैकल्टी के लिए और इनको जो है वो मुस्तकिल डिनाई किया जा रहा है और इनको एमफिल में एडमिशन भी नहीं दिया जा रहा क्योंकि इनकी जो अफिलिएशन है वो एक सियासी जमात से है और इनका जो माजी में इन्होंने मुतअद्दिद मरतबा इंतजामिया के खिलाफ और टीचर्स के खिलाफ एज अ स्टूडेंट स्टूडेंट इन्होंने एहतजाज भी किया है। तो इस वजह से इन्होंने इनकी ये जो इनका ये जो गुनाह आप जैसे कह लें इनका जो ये जुर्म है जिसको हमारे अदालती हमारे जो निजाम के कर्ता धरते हैं वो समझते हैं शायद, ये अपना गोल्ड मेडल भी दिखा रहे हैं आप इस वक्त आप अपनी वीडियो में देख सकते हैं। इन्होंने ये अपनी वीडियो के अंदर भी बताया कि ये लोग जो है वो मुझे नहीं दाखिला दे रहे हैं क्योंकि मैं एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखता हूं और मैं एक अपने राइट्स को जानने वाला स्टूडेंट हूं और ये वीडियो जो है वो हमारी वेबसाइट के ऊपर मौजूद है आप इसको देख सकते हैं। इसके बाद हम अगले मौजू की तरफ जाने से पहले मैं थोड़ा सा ये भी वाजे करना चाहूंगा कि ये जो स्टूडेंट्स के साथ रवैया है हमारे तालीमी इदारों का इसको देखने की बहुत जरूरत है। मतलब ये सिर्फ पहला स्टूडेंट ये नहीं है, ये अभी हयात बलोच के साथ क्या हुआ है वो एक एफसी के एहलकार ने किया, ये एक स्टूडेंट है जो कि तालीमी निजाम खुद उसको डिनाई कर रहा है उसका काम नहीं कर उसको उसका एक राइट उसको डिनाई कर रहा है और साथ हमारे सामने जो और फिर उसके बाद जब हम बात करते हैं कि जी स्टूडेंट यूनियंस की बहाली होनी चाहिए तो उसके खिलाफ लोग उठकर आ जाते हैं कि जी नहीं तशद्दुद होता है, ये जो स्टूडेंट्स के राइट्स की जो वायलेशन हो रही है ये भी तशद्दुद की एक बहुत बड़ी वजह होती है। तो इसको एड्रेस करने की जरूरत है बजाय इसके कि आप पाबंदियां लगाते करें। फाइनली पंजाब यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर साहब हैं जिनका नाम है जी प्रोफेसर राणा एजाज अहमद और इन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मर्दों को खवातीन जिनसी तौर पर हरासा करती हैं, मर्द किसी औरत को जिनसी तौर पर हरासा कर ही नहीं सकते, ये उनके अल्फाज हैं। मैं यहाँ पर आपको वो जो उनकी स्टेटमेंट है ये आपको नजर भी आ रही होगी, वैसे मैं आपको इसको बता देता हूँ कि उर्दू में भी कि वो कहना क्या चाह रहे थे। वो साहब ये फरमाते हैं कि पाकिस्तान में ही नहीं
पूरी दुनिया में खवातीन मर्दों को हरास करती हैं, ना सिर्फ मर्द टीचर्स को बल्कि स्टूडेंट्स को भी। मेरा थीसिस और इंतहाई मजबूत इस्तदलाल अपने थीसिस में इन्होंने जो दिया है वो ये है कि खवातीन मर्दों को हरासा करती हैं, मैन कैन नॉट, इन मर्द कैन नॉट हरास अ वुमन, यानी मर्द के अंदर ये फंक्शन ही नहीं है, मुमकिन ही नहीं है उसके उसके वो खत्म कर दिए गए हैं ऐसे तमाम जो क्या कहते हैं उसकी ख्वाहिशात हैं कि वो हरासा कर ही नहीं सकता। और उन्होंने ये कहा है कि मेरे पास इसकी साइंसी दलील है, लॉजिकल रीजनिंग है, और हिस्टोरिकली स्पीकिंग उन्होंने फिर तारीख से हवाला देते हुए कहा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की मिसाल हम दे सकते हैं, जो कि कुरान से, ये जिसे कहते हैं ना कि रिलीजन इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ एवरी स्काउंडरल, के वो कुरान से जो हरासानी का एक वाकया कुरान में दर्ज है, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुतालिक जुलैखा का किस्सा, उसके हवाले उन्होंने कहा कि जी तारीख से भी ये साबित है कि सिर्फ औरतें करती हैं, यानी कि अगर किसी और ने किया है जो हमारे सामने एविडेंस मौजूद है दुनिया के अंदर जो कुछ रोजाना की बुनियाद पर हो रहा है, एक जगह पर नहीं हो रहा, ऐसा हर तकरीबन पाकिस्तान के तमाम दफातर में, दुनिया भर में, स्कूल्स के अंदर, मदरसों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर रोजाना की तादाद में लोग सामने आ रहे हैं, और ये साहब ये कह रहे हैं कि एक ऐसा इंसिडेंट जिसके एग्जैक्ट टाइम डेट भी नहीं आप बता सकते कि कब हुआ था, कुरान के अंदर वो वाकया जरूर महफूज है, और उसकी बुनियाद पर पिछले 2-2.5-3 हज़ार साल की तमाम हिस्ट्री उन्होंने एक तरफ रखकर उन्होंने कहा कि ये यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये साबित करता है कि करता ही सिर्फ और खवातीन है। ये जो जो अजीबोगरीब एक नई सोच, ये नई तो नहीं है, खैर बहुत पुरानी सोच है ये, लेकिन ये एक नई जो तरीका है अपनी जो हरकतें हैं उनसे रिफ्लेक्ट करने का, और उसके अंदर इतने सीनियर लेवल के एकेडमिक्स जिनकी दाढ़ियां हैं बूढ़े हो चुके हैं, और वो इस तरह की आकर बातें करें कि खवातीन जो हैं वो ही हरासा करती हैं, ऐसा नहीं है कि खवातीन हरासा नहीं करती, खवातीन भी हरासा करती हैं, यकीनन करती हैं, मर्द भी हरासा करते हैं, लेकिन ये कहना कि मर्द हरासा कर ही नहीं सकता, खवातीन ही हरासा करती हैं, ये एक हैरत अंगेज दावा है जिसको जिसको जिसके ऊपर मैं कम अज कम आई एम आउट ऑफ वर्ड्स कि मैं इस पर क्या बात करूं। तो इसके बारे में जो एक दो तीन चीजें जो के कही गई हैं ट्विटर के ऊपर, उसमें प्रकाश से इसके नाम से ये ट्विटर अकाउंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये हकीकत है कि दुनिया के अंदर ज्यादातर जो विक्टिम्स हैं वो खवातीन हैं, और दोनों जेंडर्स जो है वो एक दूसरे को हरास करते हैं, लेकिन ये जेंडर जो है वो वैक्यूम में ऑपरेट नहीं कर रहे होते, इसकी कुछ मुआशी वजूहात होती हैं, इसकी सियासी वजूहात होती हैं, और ये कहना कि कोई एक जेंडर दूसरे को हरासा नहीं कर सकता ये एक मजाक का खेज बात है। और ZH Dhar ने लिखा है कि ये साहब अभी तक अपनी नौकरी पर कैसे हैं, तो मैं इसके अलावा जो है वो मजीद इसमें मजीद कोई इजाफा नहीं करना चाहूंगा। खबरनामा देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।